नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी प्यारे दोस्तों को राजस्थान समाचार की तरफ से राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा प्यारा राजस्थान 75 साल का हो गया। राजस्थान के बारे में एक बहुत प्यारी लाइन है, सोनेरी धरती झट्ठे, चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो, म्हारो प्यारो राजस्थान। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम आज सभी जरूर लिखे देखते हैं। किस किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली खबर है कि एमएलए रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव नामांकन किया दाखिल। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला करीब करीब तय हो गया है। शनिवार को शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने दोपहर 1:30 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया। शनिवार को विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन के समक्ष लोकसभा चुनाव नामांकन पत्र दाखिल किया। ज्योति मिर्धा का नामांकन रद्द करने की मांग। नागौर में शनिवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला। RLP की ओर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया। पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने DRO से मिलकर बताया कि भाजपा प्रत्याशी डॉ ज्योति मिर्धा ने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है, जबकि उनके ऊपर 2 मामले दर्ज हैं। जैसलमेर में अब नहीं कटेगा किसी का बिजली कनेक्शन। जोधपुर डिस्कॉम बकाया बिल नहीं भरने वालों से वसूली करने के लिए उनके कनेक्शन काटकर बिजली बंद करने जैसे कदम उठा रहा है। बढ़ते तापमान के बीच बिजली कनेक्शन कटने की पीड़ा से बचने के लिए लोग पैसे जमा करवा देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब ऐसे कदम पर रोक लग गई है। जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना प्रबंध निदेशक MD की अनुमति के कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दौसा लोकसभा क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नाम वापसी की लास्ट डेट को दौसा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरने वाले कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने नाम वापस ले लिया है। वहीं एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार कैलाश चंद्र मीणा ने भी नाम वापस ले लिया है। IPL मैच में लोग साथ ले जा सकेंगे कीमती सामान। सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहे IPL मैच के दौरान अब दर्शक अपना कीमती सामान अंदर तक लेकर जा सकेंगे। इस पर राजस्थान रॉयल्स ने यह निर्णय किया है। वहीं दूसरी ओर RCA में वित्तीय अनियमितताओं के बाद मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में अब मैच के दौरान कोई भी बाउंसर दर्शकों से ईयरफोन, स्मार्ट वॉच सहित अन्य कीमती वस्तु नहीं लेगा, लेकिन ग्राउंड में फेंके जा सकने वाले सामान को अंदर नहीं ले जा सकेंगे। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए साइकिल यात्रा। देश में गाय की दुर्दशा और उपेक्षा से चिंतित नागौर के रहने वाले नरसिंह राठौड़ ने प्रण लिया कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए वह पूरे राजस्थान का साइकिल से भ्रमण करेंगे और प्रत्येक जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान के 10 जिलों में आज भी आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। इससे तापमान में भी 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं इससे पहले शुक्रवार शाम गंगानगर, अलवर व झुंझुनू के कई इलाकों में बादल छाए रहे, तेज हवा के साथ बारिश हुई, ओले गिरे। बारिश की वजह से श्री गंगानगर में फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश और ओले के लिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। 8 अप्रैल को नहीं होंगे चुनाव। कार्यकारिणी को भंग करने के बाद 8 अप्रैल को होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है। 3 महीने में RCA कार्यकारिणी के चुनाव करवाए जाएंगे। इसमें अध्यक्ष समेत सभी 6 पदों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे। एक्शन मोड में जोधपुर निगम दक्षिण। घर दुकान के बाहर फेंका कचरा तो लगेगा, इतना जुर्माना। स्वायत्त शासन विभाग की ओर खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके तहत निगम दक्षिण ने शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जुर्माना राशि वसूल करने का प्रावधान बना दिया है। इसके चलते अब खुले में गोबर डालने से लेकर कचरा एवं प्लास्टिक जलाने तक जुर्माना तय कर दिया गया है। दुकानदारों की ओर से रोड या गली में कचरा डालने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन, दुकानों के बाहर कचरा पात्र नहीं पाए जाने पर 750 रुपए प्रतिदिन, रहवासीय भवनों के निवासियों के रोड या गली में कचरा डालने पर 100 रुपए प्रतिदिन, 100 से अधिक लोगों का आयोजन कर अपशिष्ट संग्रहणकर्ता को नहीं सौंपने पर 3,000 रुपए प्रतिदिन।
शादी के निमंत्रण कार्ड पर छापवानी होगी वर वधु की ये डिटेल, वरना होगी प्रशासनिक कार्रवाई। राज्य सरकार राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर हुआ। शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छापना भी प्रिंटिंग प्रेस के लिए अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बंद नहीं होगी मुफ्त सीटी स्कैन सुविधा। सरकार ने शुरू किया भुगतान। प्रदेश के जिला अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अब मुफ्त सीटी स्कैन जांच के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि सरकार की ओर से भुगतान मिलना शुरू होने के बाद सेवा प्रदाता ने सीटी स्कैन सेंटरों को बंद करने का निर्णय वापस ले लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रैल 2022 से निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी तरह का इलाज और जांच सुविधा मुफ्त कर दी गई थी। इसके बाद निजी सेवा प्रदाता को न मरीज से पैसा मिला और न ही सरकार से। इस पर पिछले एक महीने से सरकार और सेवा प्रदाता के बीच विवाद चल रहा था। अवैध बजरी खनन में शामिल 2 पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। अवैध बजरी खनन में मिली भगत करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। भीलवाड़ा एसपी राजन दुष्यंत ने अवैध बजरी खनन में साठ गांठ अवैध वसूली करने वाले बड़लियास थाने के 2 कांस्टेबल महिपाल सिंह सीताराम को सस्पेंड किया है। 1 अप्रैल से बदलेगा हॉस्पिटल का समय। मौसम में बदलाव के बीच चित्तौड़गढ़ के सरकारी हॉस्पिटल्स में 1 अप्रैल से ओपीडी का समय बदल जाएगा। ग्रीष्मकालीन सत्र के तहत सभी हॉस्पिटल्स में अब ओपीडी सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगी। अभी इन हॉस्पिटल्स में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है, जिसे गर्मी को देखते हुए बदला गया है। मोदी की सभा से पहले कल शाह का रोड शो। लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू होंगे। इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी की कोटपूतली में 2 अप्रैल को जनसभा प्रस्तावित है। शाह के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत 31 मार्च को जयपुर से होगी। यहां वे दोपहर 2 बजे होटल में 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटियों की बैठक लेंगे। आचार संहिता में फंसे परिणाम, 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार। आचार संहिता के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड की संगणक, सूचना सहायक, ANM, GNM और कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्तियों के फिलहाल परिणाम अटक गए हैं। ये भर्ती परीक्षाएं जनवरी से मार्च तक में हुई थीं। मुख्तार अंसारी को दफन किया गया। मुख्तार अंसारी को शनिवार सुबह 10:45 पर गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। करीब 30,000 लोग मुख्तार के जनाजे में पहुंचे थे। बेटे उमर ने आखिरी बार उसकी मूछों पर ताव दिया। जांच टीम बांदा जेल पहुंची। सीएम बोले, कांग्रेस आतंकवाद भ्रष्टाचार की जननी है। शेखावत की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जननी है। वहीं कोटा में नामांकन रैली में कांग्रेस कैंडिडेट प्रहलाद गुंजल ने कहा कि उन्होंने पार्टी को ठोकर मारकर छोड़ा है। उन्होंने ओम बिरला को चुनौती देते हुए कहा कि दम हो तो मोदी और मंदिर का मुखौटा छोड़कर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ो। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के बारे में आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।